बिहार में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को मुफ्त राशन और नकद राशि की सहायता दी जा रही है। इससे न सिर्फ अपने घरों में रहने वाले लोगों को लाभ मिला है, बल्कि इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंच सके हैं और अपने राज्य या जिले की सीमाओं पर बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में रह रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के खातों में पैसे पहुंच रहे हैं, मुफ्त राशन मिल रहा है और दूसरी सहायता दी जा रही है। हम रामू रंगीला सीतामढ़ी मोहनपुर गांव से बोले छी। हमरा सबके जे नरेंद्र मोदी सरकार जे राहत दिलके ये विपद के घड़ी में कोविड-19 कोरोना वायरस जेकरा कहे छै बहुत खतरनाक बीमारी है आ पूरे विश्व में फैलल है बीमारी। आई बीमारी में हमरा सबके 3 महीना तक ले सरकार कहे छै घर में रहे के लेल आ 3 महीना तक के राशन फ्री में, 3 महीना तक के गैस फ्री में और जनधन योजना के तरफ से हमरा सबके 500-500 रुपया जो है मिल रही है और खाए पिए के लिए हमरा सबके कोई तकलीफ न है। नाम मेरा भावेश तिवारी है, मैं ग्राम सरवाली पोस्ट करपी जिला अरवल मैं बिहार से हूँ। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से हमें 2000 रुपये पर मिलता है और जिसे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। फातिमा सिन्हा ग्राम सुगी जिला जम्मू का निवासी हूँ और मुझे जो अनाज मिलता था वो अनाज भी मिला और फ्री का 5 किलो की दर से 25 किलो चावल फ्री में मिला और 850 रुपया उजाला गैस के लिए मिला जिससे हम खरीदे। मेरा नाम माया कुमारी है, जम्मू जिला का निवासी हूँ, गाँव सुगी हुआ और जो राशन कार्ड में हमको अनाज मिलता था वह अनाज मिला 55 केजी और फ्री में जो अनाज प्रधानमंत्री के तरफ से ऐलान हुआ था वो भी 55 केजी मिला और जनधन योजना के तरफ से भी 500 रुपया का लाभ हुआ। नाम सुनीता देवी, मेरा पति लोहा का काम करता है और चौर गेहूँ मिलने से थोड़ा राहत है। वहीं बिहार सरकार की ओर से राशन कार्ड धारियों के खातों में 1,000 रुपए की नगद राशि भेजी गई है। साथ ही साथ हर श्रेणी के पेंशन धारियों को भी उनके खातों में 84 लाख लगभग खाते हैं जिनमें 400-400 रुपए की 3 महीने की अगले 3 महीने की अग्रिम धनराशि भेज दी गई है। इन सब कदमों से लोगों ने आपदा में और लॉकडाउन में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार,